सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। तेल मेरा है मुश्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पे हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए काहे घबराए। नौकर हो या मालिक, लीडर हो या पब्लिक, अपने आगे सभी झुके हैं, क्या राजा क्या सैनिक। अरे सुन 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 अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दवा है, क्यों ना आजमाए। काहे घबराए काहे घबराए। जैसे लाख दुखों की एक दवा ये चंपी मालिश वाला गाना है, वैसे ही लाख दुख, लाख सिचुएशन का एक राइटर है शायर लुधियानवी। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कोई भी तरह की बात आपको कहनी हो, शायर से अच्छे अल्फाज आपको किसी के पास नहीं मिल पाएंगे। शायद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पहले गीतकार वो होंगे जिन्होंने लगभग हर सिचुएशन पे, हर सिचुएशन पे इतने अच्छे गाने लिखे। चाहे भजन ले लीजिए उनके, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, या तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा। चाहे आप रोमांटिक सॉन्ग्स, ऑफ कोर्स उनके बड़े कमाल हैं, जैसे कि हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे। तो फैमिली के जो गाने होते हैं, जो रिश्तों के, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, ये भी उनका है। फेस्टिवल्स उन्होंने सेलिब्रेट किए, ईद, दिवाली, करवा चौथ का एक गाना है उनका, आज है करवा चौथ सखीरी, 1965 रवि साहब का म्यूजिक था बहू बेटी पिक्चर में। सो इवन सिचुएशनल, यानी कि दीवार तक के अंदर एक गाना है उनका, इधर का माल इधर जाता है, उधर का माल उधर जाता है। तो आप वैविध्यता देखिए, आप रेंज देखिए कि किस किस रेंज के गाने। इनफैक्ट आइटम सॉन्ग्स की तो शुरुआती दौर के सबसे बड़े राइटर साहिर साहब थे। सुनो गजर क्या गाए, ये भी उनका है, या फिर तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, ये भी उनका है आइटम सॉन्ग्स में। मतलब इवन एज लेट एज इतने बड़े शायर होने के बाद में भी, 1971 में सोने कोमी का म्यूजिक था भाई हो तो ऐसा, उसके अंदर बड़ा ही बोल्ड सा आइटम सॉन्ग है उनका, कि आजा मेरी जवानी को मस्तानी को, रूप के लोभी घूर रहे हैं मुंह में भर के पानी को। इस टाइप का तो बहुत ही एक क्रास गाना भी मैं आपको बता देता हूं, कि जिसको बोलते हैं ना थोड़ा क्रास टाइप का गाना होता है, वैसा तक उन्होंने लिखा, वो भी लेट। ऐसा नहीं कि अर्ली टाइम में, जब बड़े फेमस होने के बावजूद भी उन्होंने परहेज नहीं किया किसी सिचुएशन से, ये मैं कहना चाहता हूं। जैसे ये महमूद साहब है, अमानत पिक्चर का गाना है, उसमें सब लोग महमूद साहब को बहुत मारते हैं और वे खड्डे में ढूंढकर, खड्डे ये यूट्यूब पे है गाना, देखना चाहिए आपको, खड्डे का शेप भी वो महमूद साहब के बॉडी टाइप का है, और उसमें गिर के फिर खड्डे में से निकल के वो गाना गाते हैं कि भूस भर दिया है मेरी चाहत में, भूस भरने, भूस मतलब सॉडस्ट, भूस भर दिया है मेरी चाहत में, घुस भरने वाले लोगों ने, देखो तो सही क्या क्या है किया मिलकर के साले लोगों ने। तो इमेजिन साहिर लुधियानवी 1971 राइटिंग दिस, सो ही हैज रिटन ऑल काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स दुनिया भर के। तो अगर हम साहिर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि उनकी इस वैविध्यता को, उनकी इस रेंज को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम शायरों को रोमांटिसाइज करते हैं कि वो दुखी हैं परेशान हैं, मगर ऐसा नहीं है। वो हमेशा दुखी और परेशान गाने उन्होंने लिखे, बहुत जिए हैं खुल के, खुशी के साथ में, दोस्तों के साथ में, बड़ा सेलिब्रेट किया है लाइफ को। इसीलिए मुझे उनके कॉमेडी गाने भी कई सारे हैं, वलमा अनाड़ी मन भाए, जिसमें माला सिन्हा जी बड़ा खतरनाक सा सितार बजा रहे हैं वो ओवर फिंगरिंग के साथ में, यू हैव टू सी दैट ऑल्सो, ब्यूटिफुल इट इज। या वतन का क्या होगा अंजाम, बचा ले मौला बचा ले राम, मौला और राम एक ही लाइन में यूज कर रहे हैं। ये 1969 आदमी और इंसान का मेरे ख्याल से गाना है, रवि साहब का म्यूजिक था इसमें भी। वतन का क्या, आई थिंक अगर साहिर साहब आज होते तो शायद आज वो भी इस टाइप का वापस से शायद दोबारा कुछ लिखते, कि वतन का क्या होगा, अंजाम बचा ले मौला बचा ले राम। सो What I'm trying to say is that इस रेंज को सेलिब्रेट करें। और अभी अभी जो मैंने गाना आपको बताया, सर जो तेरा चकरा, ये उनका सबसे फेमस कॉमेडी गाना है, और इस गाने में भी कॉमेडी के अंदर भी उन्होंने किस तरह से अपने सोशलिज्म को बरकरार रखा है, जिंदा रखा है, वो आप समझने की कोशिश कीजिए। कि तेल मेरा है मुश्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पे हाथ फेरा दूं चमके किस्मत उसकी। इमेजिन एक मालिश वाला सेइंग दैट, कि मैं किसी की भी किस्मत बदल सकता हूं। सी द डिग्निटी ऑफ लेबर, के कितना ज्यादा घमंड, कितना ज्यादा प्यार, कितना ज्यादा गुरूर है अपने काम के साथ में, ये उन्होंने बताने की कोशिश की है। या फिर दूसरा अंतरा ले लीजिए, नौकर हो या मालिक, लीडर हो या पब्लिक, अपने आगे सभी झुके हैं, मेरे आगे नहीं कहा, हमारे आगे नहीं कहा, अपने आगे, जो बंबई की भाषा है, अपने आगे सभी झुके हैं, क्या राजा क्या सैनिक। भाई अब आप राजा हो या सैनिक हो या कोई भी हो, जब बाल कटाने के लिए मुकेश अंबानी भी जाते हैं तो बाल सर झुकाना ही पड़ता है ना। तो
ये जो डिग्निटी ऑफ लेबर, ये जो छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन है, आई थिंक साहिर से बड़ा, साहिर से अच्छा, साहिर से कमाल गीतकार आपको नहीं मिलेगा अगर आप रेंज देखने की कोशिश करेंगे। तो साहिर लुधियानवी को, जिनकी वजह से हम सब शायर बने हैं या सिंगर राइटर बने हैं या गीतकार बने हैं, उनको बहुत बहुत वंदन।